क्या राजनीति में होते हैं षड्यंत्र या षड्यंत्रों से शुरू होती है राजनीति? मैं बताऊंगा आपको राजनीति के पीछे की बात। देखिए मेरे साथ रफ्तार न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। रामलीला मैदान से पीएम मोदी का ऐलान, देश के मुसलमानों को सीएए से कोई लेना देना नहीं है। नागरिकता कानून पर देश भर में बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली को संबोधित कर रहे हैं। इसी दौरान पीएम मोदी ने नागरिकता कानून को लेकर देश भर में मचे बवाल पर कहा कि यह कानून देश के हिंदू मुस्लिमों के लिए नहीं है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश को डर और अराजकता के माहौल को धकेलने की साजिश हो रही है। साथ ही पीएम मोदी ने हिंसा पर कहा कि मेरा पुतला जला लो, लेकिन संपत्ति जलाने की जरूरत नहीं है और पुलिस जनता की दुश्मन नहीं है। मुस्लिम बहुल देशों के समर्थन से कांग्रेस परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान से कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए लगातार साजिशें चलती रहती हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी आज इस बात से भी तिल मिलाए हुए हैं कि आखिरकार क्यों मोदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर मुस्लिम बहुल देशों में इतना समर्थन मिलता है, क्यों वो देश मोदी को इतना पसंद करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सऊदी अरब, बहरीन, यूएई से भारत के रिश्ते सर्वोत्तर बढ़िया हुए हैं। सीएए पर विरोध को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आज ममता दीदी कोलकाता सीधे संयुक्त राष्ट्र पहुंच गई हैं। अरे हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं, जाइए मेरे हर काम की पड़ताल कीजिए। साथियों, अभी हाल में जो संसद का सत्र समाप्त हुआ, उसमें दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़े बिल को तो हमने पारित किया, आपको अधिकार देने का निर्णय किया, उसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण बिल पास हुआ, सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल। भारत की संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा ने आपके उज्जवल भविष्य के लिए, दलित, पीड़ित, शोषितों के भविष्य के लिए, लोकसभा राज्यसभा ने, सभी सांसदों ने इस बिल को पास करने में मदद की है। आप खड़े होकर देश की संसद का सम्मान कीजिए, देश की पार्लियामेंट का सम्मान कीजिए, देश की लोकसभा का सम्मान कीजिए, देश की राज्यसभा का सम्मान कीजिए, देश की जनता ने चुने हुए हमारे सांसदों का सम्मान कीजिए, पूरी ताकत का सम्मान कीजिए। कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं, वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं।
मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों, इस बात को समझिए भाइयों बहनों, मैं जरा ये भ्रम फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों से जरा पूछना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया तो क्या किसी से पूछा था कि आपका धर्म क्या है, आपकी आस्था क्या है, आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? क्या हमने आपसे कोई सबूत मांगे थे? 70 का सबूत लाओ, 75 का सबूत लाओ, 80 का सबूत लाओ, मांगा था? केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला, सिख भाई बहनों को मिला, ईसाई भाई बहनों को मिला, जो भी यहां बसते हैं उन सबको मिला। और ये झूठ फैला रहे हैं कि मैं अधिकार छीनने वाले कानून बना रहा हूं, ये झूठ चलने वाला नहीं है, देश स्वीकार करने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मैं ये जो झूठ बोलने वाले हैं मैं उनको चुनौती देता हूं, जाइए मेरे हर काम की पड़ताल कीजिए, कहीं पर दूर दूर तक भेदभाव की बुआती है तो देश के सामने लाकर के रख दीजिए।